हमजा ने पंजाब का वजीर आला बना था और ना मरियम बीबी ने बनना था। नून लीग की शहजादी, वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम, मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं, ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो चार बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर सरदारी जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है वो ये है कि झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले, तो मरियम बीबी क्या कहती हैं जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी इस तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इग्नोरेंस की बात है। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर, मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, आप